फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिक प्लांट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज जो मैं आपके लिए प्लांट लेकर आई हूँ, इसका नाम है डेलोस्पर्मा या फिर हार्डी आइस प्लांट या फिर ट्रिलिंग आइस प्लांट। तो इसके आइस प्लांट नाम से आप सोचेंगे कि जो आइस प्लांट होता है विंटर्स में फूल देता है वो, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अगर आप पत्तियाँ इसकी ध्यान से देखें तो थोड़ी सी वैसी ही हैं, और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि बिल्कुल पोर्चुला का कि जैसे पत्तियाँ होती हैं वो थोड़ी ब्रीक होती हैं, और बिल्कुल वैसी ही हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसकी डिफरेंट ग्रोथ है, ये डिफरेंट ग्रोथ है। और आपको हेल्दी ग्रोथ कौन सी लग रही है मुझे बताना, छोटे पॉट वाली या बड़े पॉट वाली। और ये दोनों ही मैंने एक ही टाइम पे ग्रो किए हैं, कटिंग से ग्रो किए हैं, नहीं सॉरी, इसी से मैंने कटिंग लेके इसको ग्रो किया था। कटिंग में इसकी एक ही लेकर आई थी, और उसके बाद ये इसका मदर प्लांट है। अभी इस पर काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, इस पर बर्ड्स बन रही हैं और अभी फूल भी खिलेंगे, लेकिन अभी मैं तो जाने वाली हूँ तो पता नहीं पीछे से कब खिलेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी सी इसकी बर्ड बनी हुई है, और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये देखिए, इसको इस वाले मदर प्लांट से ग्रो किया है मैंने, इसको कटिंग लेकर आई थी मैं। और देख सकते हैं आप इसकी कितनी ब्यूटीफुल ग्रोथ है, बहुत ही मतलब कि हेल्दी तरीके से ये ग्रो हो रही है, और पता नहीं अभी ये क्या रीज़न है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं ये भी सुंदर हैं, लेकिन ये अभी अभी थोड़ा सा इस तरह से हुआ है, पहले ये भी थोड़ा थोड़ा इसी तरह का था, शायद ये भी ऐसे ही हो जाएगा, या फिर इससे कटिंग लेके ग्रो किया है इसलिए थोड़ी हेल्दी ग्रोथ है। तो आपको पता है कि कटिंग जो है हमेशा हेल्दी ही ग्रो होती है, और इस प्लांट को जैसे कि मैंने बताया कटिंग से लेकर आई थी, तो जाहिर सी बात है कि ये कटिंग से बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है, किसी भी सीजन में चल जाता है। मैं इसको विंटर्स में लेकर आई थी, तब ये वहाँ पर थोड़ा इस तरह से पड़ा हुआ था जैसे डॉर्मेंसी होती है। तो अभी मैंने कल परसों ही मैं गई थी वहाँ पर, मैंने इन प्लांट्स को देखा तो वहाँ पर भी इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, और क्योंकि वहाँ पर इतनी केयर होती नहीं है, गवर्नमेंट नर्सरी है वो, और इसलिए शायद। तो ये जो है कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं, अगर आप इसकी छोटी सी कटिंग यहाँ से लेके लगा देंगे ने, तो ये जो है 3-4 दिन में ही आपको लगेगा कि कटिंग ग्रोन होनी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल जैसे पोर्चुला का होती है। तो जैसे अभी यहाँ पर है तो मैं इसमें इसकी कटिंग बताती हूँ लगा के, तो इस तरह से इसको मिट्टी में अच्छे से दबा दें तो कुछ ही दिनों में इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, नीचे से नीचे इसके प्लांट्स निकले हैं, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजिली ये जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसको मैं पंजाब भी लेके जाने वाली हूँ क्योंकि मदर के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी वो ग्रो करेंगे, और मैंने सुना है कि ये सभी तरह के एनवायरनमेंट में जो है एडजस्ट हो जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। और इस पर पिंक कलर के जिस तरह से आइस प्लांट पे फ्लावर होते हैं वैसे ही बिल्कुल इस पर भी फूल आते हैं, तो बाकी जब निकलेंगे तभी पता चलेगा। तो ये देखिए कितनी हेल्दी बर्ड बनी हुई है इस पर, और इसकी बर्ड बिल्कुल छोटी है, जबकि ये प्लांट बड़ा है, थोड़े से बड़े पॉट में है, ये छोटा है और पॉट भी छोटा है। तो इस तरह से कुछ इसकी ग्रोथ है। तो ये प्लांट आपने पहले देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कैसा लगा, अगर नया है तो भी बताएं। तो चलिए आज की वीडियो करते एंड, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।